नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के हिस्से की कोयल रॉयल्टी पर पूछे गए सवाल के जवाब में साफ और दो टूक कहा कि इस रकम को नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मुश्किलें इससे बढ़ती दिख रही हैं। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य के बीच एक बार फिर टकराव जैसे हालात हैं। क्या केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार मार रही जैसा आरोप है? राज्य सरकार के पास आगे क्या विकल्प और रास्ते बचे हैं? दूसरी पक्ष का यह कहना है कि केंद्र वक्त वक्त पर प्रदेश की जरूरत के हिसाब से देता है, तो क्या जो मांग की जा रही है वो जायज नहीं है? इन सब पर खुलकर बात हम करेंगे। हमारे साथ में आज एक प्रबुद्ध पैनल है। राजेंद्र तिवारी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता। राजेश अग्रवाल साहब है वरिष्ठ पत्रकार, जो लंबा तजुर्बा रखते हैं इस पॉलिटिक्स पर और केंद्र राज्य के बीच की स्थिति पर भी। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बात में। सीधे आपसे जुड़ेंगे, चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस विषय में अब तक किसने क्या कहा है। देखिए, कोयले पर तकरार, रॉयल्टी के लिए राज, सियासत का कोयला गर्म, केंद्र का क्या धर्म? कोल रॉयल्टी पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आर पार की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में बकाया वापसी पर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से पूछा कि राज्यों को कब तक कोयल रॉयल्टी की राशि मिल पाएगी। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोल ब्लॉक्स के अतिरिक्त लेवी के तौर पर 6,967 करोड़ की राशि एकत्र की गई, जिसमें 60% यानी करीब 4,024 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि अकेले छत्तीसगढ़ से मिली। केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के बाद ये तय किया कि ये राशि राज्यों को नहीं दी जाएगी। ये बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार कोयला उत्पादक राज्यों को उनकी अतिरिक्त लेवी का जो पैसा है वो नहीं दे रही। सबसे ज्यादा अन्याय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है। 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना है, क्योंकि इस आमदनी का 60% शेयर सिर्फ छत्तीसगढ़ से आया। इस फैसले से केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला बर्ताव कर रहा है। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को जो राशि मिलनी चाहिए वो लगातार मिल रही है। रॉयल्टी हो या रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, विफलता को छिपाने के लिए केवल आरोप लगाना, एक काम पत्र लिखना, दूसरे काम शिकायतें करना। केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जा रही है, उस राशि का बंदरबांट कैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम सियासी बयानबाजी के बीच छत्तीसगढ़ के लोग खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोयले से दूसरे राज्यों के लोगों की जिंदगी रोशन हो रही, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने हक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो बिना ब्रेक के डिबेट है, जिसमें आप सभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट, अपनी शुरुआती बात को बिना किसी दूसरे की बाधा के कह सकते हैं। राजेंद्र तिवारी जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। राजेंद्र जी, 90 सेकंड्स में आप अपनी बात रखें। बार बार बीजेपी कहती कि जब जितना मिलना था उतना राज्य को मिलता है, केवल नाकामियों का ठीकरा दोषारोपण केंद्र पर करते हैं। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब आपने 90 सेकंड का टाइम दिया है मुझको, जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा मैं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ में अन्यायपूर्वक कार्रवाई कर रही है। हालत यह है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से, अगर मैं सीरियली बताना लगूं तो 90 सेकंड तो बहुत कम है, बहुत समय लगेगा, मगर ये अभी जो ताजा उदाहरण दिख रहा है, लेवी का करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ, उसमें अकेले हमारा हिस्सा था 60%, जो 4,024 करोड़ रुपए और 36 लाख रुपए होता है, 60% हमारा हिस्सा था। मगर अब चूंकि छत्तीसगढ़ को देना था वो, और छत्तीसगढ़ को देने में तो छाती फटती है केंद्र सरकार की, तो हालत यह थी
कि दरअसल इसके पीछे बहुत कुछ कारण राजनीति भी है। भूपेश बघेल जी की टक्कर का, टक्कर तो जाने दीजिए, उनकी पासंग में ठहरने वाला कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का यहां पर है नहीं। उनकी लोक कल्याणकारी नीतियों के सामने भारतीय जनता पार्टी अस्त व्यस्त और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो अब किस तरह से उनको परेशान किया जाए? तो परेशान करने के लिए उन्होंने ईडी भेज दिया, आईटी भेज दिया, पूरा दफ्तर ही यहां खोल करके रखा हुआ है कि उनके इर्द गिर्द के लोगों को परेशान किया जाए। चलिए आप हमको फांसी पे लटका दीजिए जी, हमको कोई हर्ज नहीं। मगर पुनीत जी, एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता सुन रही है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कि भैया बदला हमसे लो यार, छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों से मत। बदला राजनीतिक तौर पर अगर कोई है तो आप पार्टी से लें, नेताओं से लें, लेकिन कम से कम जनता का हक ना मारें, प्रदेश का हक ना मारें। सुंदरानी साहब, आप भी अपनी बात रखें 90 सेकंड। देखिए पुनीत जी, मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को सुन रहा था। निश्चित रूप से अगर छत्तीसगढ़ का 4000 करोड़ की बात ये कर रहे हैं तो ये कोई अकेले छत्तीसगढ़ राज्य के लिए फैसला नहीं है। केंद्र जो भी निर्णय लेता है सामूहिक निर्णय पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए लेता है, चाहे वो जीएसटी का पैसा हो समय समय पे आता है, या कोयले की बात करें या अन्य जितने भी केंद्र से राशि मिलनी चाहिए समय समय पे, जिस प्रकार सभी राज्यों को बंटवारा होता है छत्तीसगढ़ को भी होता है। ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, बात बात पे केंद्र पे आरोप लगाते हैं, बात बात में 15 साल की सरकार को कोसते हैं। ये अपनी कोई उपलब्धियां हासिल कर नहीं पाए 4 साल में। आज जो स्थिति कांग्रेस सरकार की है, मुझे लगता है इनकी पूरी जमीन खिसक चुकी है अपने बचाव में, क्योंकि विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पैसा 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद भी आज कोई एक योजना नहीं गिना सकते, एक विकास का बड़ा काम नहीं गिना सकते जो इन्होंने शुरू किया हो। ये जमीनी हकीकत, इनके वादे पूरे नहीं हुए, कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट इसी रूप में निकलती है मोदी जी की सरकार को कोसने का। ऐसा कोई उदाहरण आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी के पास हो कि अन्य राज्यों को पैसा दिया गया और छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया हो, या छत्तीसगढ़ को विलंब से दिया हो, पहले दूसरे राज्यों को पहले दिया हो, एक भी उदाहरण कांग्रेस की सरकार ऐसा पेश नहीं कर पाएगी। लगातार केंद्र जैसा सभी राज्यों के साथ व्यवहार करता है। जो आपने कहा 60% राशि जिस राज्य से मिलती हो उसको चिंता ज्यादा होगी, बड़ी होगी, और आप भी उसी राज्य में। चलिए मैं थोड़ा विस्तार में आपके पास में बाद में जाऊंगा। राजेश अग्रवाल साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, इस पूरे मसले को आप देखते कैसे हैं? राज्य का अधिकार क्या केंद्र जबरन मार रही है, सौतेला बर्ताव कर रही है, संघीय व्यवस्था को ठेस पहुंचा रही है, या फिर राज्य कुछ अतिरिक्त चाहने लगा है, डिमांड करने लगा है? देखिए, ये जो कोयले का मामला है, इसमें कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो पहले अलॉटमेंट एक नई पॉलिसी बनाकर के किया गया था, उन खदानों का आवंटन गलत है और आवंटन निरस्त किए गए थे। उसके बाद ये पाया गया कि कुछ उसके बावजूद अलॉट कर दिए गए थे और वहां से कोयले का खनन शुरू हो गया था, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पैसा राज्यों को मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र ने तब ये कहा कि ये जो नई पार्टियां हैं, जो नए निजी खदान जो संचालित ऑक्शन में आए थे, वो नए ऑक्शन में तभी भाग ले पाएंगे जब वे पुराने रकम को जो उनकी रॉयल्टी बनती है, लेवी बनती है, उसको केंद्र में जमा कराएंगे। तो चूंकि उनको नए ऑक्शन में शामिल होना था तो उन लोगों ने केंद्र में पैसा जमा कराया, और ये संविधान में तय है कि जो मिनरल प्रॉपर्टी है वो राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार को अधिकार है कि वो उसको बेचे और उसकी रॉयल्टी ले। तो ये पैसा राज्य का है, राज्य को मिलना चाहिए। इसमें जो राजनीतिक कारण हैं वो हमारे दोनों वरिष्ठ कांग्रेस और भाजपा के नेता बैठे हैं वो बताएं, लेकिन तकनीकी दृष्टि तो बात यही है कि ये पैसा राज्य का है और राज्य को मिलना चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की राय का हवाला दिया है मंत्री जी ने संसद में, लेकिन उन्होंने क्या राय दी और क्यों दी, राज्य का पैसा राज्य को क्यों नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट अपने जवाब में नहीं दिया। चलिए इस पर मैं उत्तर की शुरुआत करता हूं। आप भी सुंदरानी साहब उसी स्टेट से हैं जिस स्टेट के हकों की बात की जा रही है, ये राय के आधार के ऊपर लिया गया फैसला ये तो बताया गया, आपकी जानकारी में कि ये ऐसी राय क्यों दी गई कि केंद्र उस पैसे को रखेगा राज्यों को नहीं देगा,
और उसका आपने जो सवाल पूछा, एक बड़ा हिस्सा चूंकि छत्तीसगढ़ का है, तो क्या छत्तीसगढ़ वासी होने के नाते आपकी पीड़ा नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के होने के नाते, हम छत्तीसगढ़िया होने के नाते निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में पीड़ा है। और जिस आधार पे केंद्र का ने रोका है, वो आधार की पूरी जानकारी जब तक एकत्रित नहीं हो सकती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि केंद्र किसी भी राज्य के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करता, न ही छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करता है। ऐसा कोई उदाहरण किसी भी पार्टी के पास हो कि मध्य प्रदेश के साथ कोई रियायत तिवारी जी उत्तर देंगे इस बात का? के बारे में कहीं उपेक्षा की गई हो, ऐसा किसी भी मामले में? एक उदाहरण भूपेश बघेल सरकार को, मैं लगातार उदाहरण देता चल रहा हूं। हमको जीएसटी का 14,000 करोड़ रुपए लेना है, सेंट्रल एक्साइज का 13,000 करोड़ रुपए लेना है, सरकारी आवास का 1500-1500 करोड़ की दो किस्त यानी 3,000 करोड़ रुपए लेना है, हमको खाद की सब्सिडी का 3,631 करोड़ रुपए लेना है, हमको मनरेगा का 9,000 करोड़ रुपए लेना है, कुल मिलाकर के 55,000, मैं पेंशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो हमारे कर्मचारियों भाइयों का पैसा जमा है और केंद्र सरकार के पास और उसको कायदे से राज्य सरकार के पास आना चाहिए, उसकी तो मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो केंद्र की सरकार से लड़ाई चलेगी राज्य सरकार की। ये सब मिला लें तो 55,000 करोड़ रुपए हमको केंद्र की सरकार से लेना है पुनीत जी, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने सीआरपीएफ की जो बटालियन यहां रखी है उसका काट लिया है, और इस तरह से करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए हमको केंद्र सरकार से लेना है, और केवल राजनीतिक कारणों से, दुर्भावना के कारण कि किस तरह से भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस की सरकार को परेशान किया जाए। अभी अग्रवाल जी ने जो कहा, हम आर्टिकल 131 के तहत हम जाएंगे कोर्ट में और डंके की चोट पर जीतेंगे। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं साथ में, अभी कोयला मंत्री जी आए थे, वो आदरणीय राजेंद्र भैया, आदरणीय राजेंद्र भैया, आप जीएसटी के पैसे की बात करते हैं, क्या जीएसटी का पैसा मध्य प्रदेश को जब मिलता है छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता, अन्य राज्यों को मिलता है तब नहीं मिलता छत्तीसगढ़ को? ये प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की प्रक्रिया होती है, जीएसटी का कलेक्शन होता है, महीने डेढ़ महीने बाद वो राज्यों को मिलता है, तो हमेशा राज्य सरकार का बकाया रहता है, और आप उस बकाया को एक आरोप के रूप में लेते हैं। लेकिन एक व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की, जिस व्यवस्था के साथ ये मनमोहन सिंह जी की सरकार या अन्य सरकारें भी रही, तो यही व्यवस्था लागू रहती थी। लेकिन आप लोगों ने एक निश्चय कर रखा है कि हर मामले में आरोप लगाना, हर मामले में बयान देना, हर मामले में चिट्ठी लिखना, टकराहट करना, 15 साल हमारी भी सरकार के साथ, एक बार आप लोगों को इस तरह से आते हुए देखा है जैसा धुआंधार चले आ रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को परेशान करने के लिए, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेश बघेल के टक्कर का एक भी नेता नहीं है। बार बार साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास लंबी श्रृंखला है, 40 लाख हमारे सदस्य हैं छत्तीसगढ़ में, और आप कहते हैं भूपेश बघेल के मुकाबले का कोई नेता नहीं है? भूपेश बघेल जी के रहते 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, भूपेश बघेल जी का ये कहां मुकाबला था? आपने पाल में कहा कि भूपेश बघेल का कोई मुकाबला नहीं है, आने दीजिए 2023 का चुनाव, मुकाबला हो जाएगा, दिख जाएगा भूपेश बघेल जी की स्थिति क्या है। आप केवल आपके साथ पीएससी के बाबा तो नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी तो संगठित रूप से आज लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी की भाजपा हमारे केंद्र सरकार सिंधे बाबा अलग, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, बघेल अलग दिखते हैं कहीं ना कहीं, आपके यहाँ अभाव है, होने दीजिए 2023 अलग नहीं है, आपके चश्मे अलग अलग है, साबित हो जाएगा। आपने चश्मे में एक अलग नंबर डाला है, दूसरे कांच में दूसरा नंबर डाला है, इसलिए आपको अलग अलग दिखाई देता है। मैं तो कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है, अंतर विरोध आपकी पार्टी से निपटने के लिए हम एकमतन है पूरी तरह से। राजन भैया साहब, अरे ये बात जाने दो, ये जाने दीजिए, राजनीतिक चर्चा न करें, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो हक का पैसा है, चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ के हक का पैसा दिलवाइए। ठीक है राजेंद्र तिवारी जी, एक बात बताइएगा, आपका इतना लंबा तजुर्बा और अध्ययन है,
अभी जैसे राजेश अग्रवाल साहब कह रहे थे कि सॉलिसिटर जनरल से सलाह लेने के आधार पर उसे कोर्ट करते हुए यह बताया गया कि यह पैसा राज्य को नहीं मिलेगा, क्या इसके पीछे तर्क है? क्या इसका डिटेल सरकार को पता चला है, पार्टी को पता चला है? क्या ऐसे किसी सलाह के ऊपर ये काम किया जा सकता है? आपने कहा कोर्ट जाएंगे, क्या इसकी डिटेल हम मांग रहे हैं, आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूं पुनीत जी, मैं आपसे कह रहा हूं सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है क्या? ये भारत सरकार का वकील है, हमारे यहां एडवोकेट जनरल है सतीश चंद्र जी वर्मा, वो छत्तीसगढ़ सरकार के वकील हैं, उन्होंने अपने सरकार के पक्ष में फैसला दिया जैसा उनको उचित लगा, मगर कोर्ट, अभी राजेश अग्रवाल जी ने जो उसकी मीमांसा की वो पूरी तरह से सही है। और उसके साथ में मैं उनकी बात के समर्थन में दो लाइन और जोड़ना चाहूंगा, आर्टिकल 131 राज्य को यह अधिकार देता है कि केंद्र सरकार अगर उसके साथ अन्याय करे तो उसको कोर्ट में जाए और कोर्ट पक्ष में फैसला देगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट इस बात को जानता है कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है, छत्तीसगढ़ के हक को मारने का काम कर रही है और उसके पीछे केवल राजनीति है और केवल दुर्भावना है। उत्तर में राज्य के गरीबों का पैसा, जो एक तर्क दिया जा रहा है सरकार कि जानबूझकर, चूंकि भूपेश बघेल के जेस्चर का, उनके कद का कोई नेता नहीं है, टक्कर का नेता नहीं, इसलिए जानबूझकर ये परिस्थितियां बनाई जा रही, आपको क्या लगता है? देखिए, केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा जब दो दलों, विरोधी दलों की सरकार हो तो इस तरह की समस्या आती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक 4-5 आयोग बने हैं कि केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को कैसे ठीक किया जाए, तो उनमें जो सुझाव आए हैं वो व्यवहारिक और सैद्धांतिक समस्याएं तो उभरी ही है, साथ में राजनीतिक भी उभरा हुआ है। अब चूंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उसके बाद 2024 में केंद्र में चुनाव है, तो इस तरह से राजनीतिक टकराव तो होगा ही, और चूंकि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा है तो राज्य एक लाचार स्थिति में दिखाई तो देगा ही, और उसे अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे, पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में। तो चलिए, मेरे दो छोटे सवालों के साथ में आप फाइनल कंक्लूजन आप दें। श्रीचंद सुंदरानी साहब, अगर राज्य अपने हक को लेकर पत्र लिखे तो उसमें दिक्कत, उसमें पॉलिटिक्स नजर आती है। अब जिनको आप गाय बताते थे वो सांसद अगर सवाल पूछ रहे हैं राज्यसभा के जाकर राज्य के हक का, उस पर भी आपत्ति है। आप बताएं क्या करे सरकार कि उनको उनका अधिकार मिल जाए, आपके 20 सेकंड है, आप बताएं फाइनली इसका हल क्या है। आदरणीय पुनीत जी, दिल्ली जाकर यहां के सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों से मिल सकते हैं, मिलना नहीं चाहते, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, राज्यसभा में उठाए गए प्रश्न पे शुरू कर दिया इन्होंने सवाल जवाब। अगर ये सारी डिटेल की जानकारी अगर वो केंद्र में बैठे मंत्रियों के पास जाके, माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य मंत्रियों से जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़ और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का सहयोग ले सकते हैं, लेना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी का। एक सलाह यहाँ से भी कि सबको लेकर जाए, बात करें 20 सेकंड। तिवारी जी, किससे पूछ रहे हैं आप? जी राजेंद्र जी, आप ही से पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि नहीं, मैं वो सुन नहीं पाया, क्षमा करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि सुंदरानी जी जो कह रहे हैं कि जाके मिलते नहीं, हर बैठक में या तो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं सुंदरानी जी, खैर सुंदरानी जी नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझको कौशिक जी के ऊपर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वो कहते हैं कि पत्र लिखने का काम करते हैं, निश्चित रूप से पत्र लिखने का काम करते हैं क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। जब भी मुख्यमंत्री जी वहां बैठक होती जाते हैं और लगातार छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के, यहां की समस्याओं को लेकर मुखर स्वर में बोलते हैं, साथ में मंत्रियों राज्य फिर से ये कह रहा तिवारी जी कि हम अपनी तरफ से अपना दायित्व निभा रहे हैं और आगे हमारे पास में कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, राजेश जी कहां समाधान इसका दिखता है, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं तो ये देखता हूं कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा शक्तियां आए, इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, चाहे वो कृषि कानून का मामला हो, जीएसटी का तो है ही, उसके अलावा भी नई शिक्षा नीति पर भी, सभी राज्यों कृषि कानूनों पे, सब ये राज्यों का कहना है कि हमारे विषय हैं, इस पर आप सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने ये भी देखा
कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स के में जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया गया था तो उसकी जगह पर राज्य ने कहा कि आप कुल मिलाकर आप सबकी बातों का निचोड़ ये लगता है कि बहुत लंबे समय से डीएमएफ फंड को लेकर या जो मौजूदा परिस्थिति है इसको लेकर चर्चाएं चल रही, बेहतर हो कि बातचीत से कोई समाधान निकले क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों उत्तरदायी तो राज्य की यानी देश की जनता के प्रति हैं, चुना तो देश की और प्रदेश की सरकार को जनता नहीं है, फिर जनता और राज्य क्यों सफर करे, ये एक सवाल छूट जाता है। आप सबका शुक्रिया अपने पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।